अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से, बहुत मजे में, बहुत खुश होंगे। हम भी खुश हैं। आज है संडे, बच्चे लोग कुछ फरमाइश करें, उससे पहले ही हम बना देते हैं। आज सोचते हैं दाल की पूरी बना दे और गर्मा गर्म हलवा बना ले। ऐसे सब बच्चे उठ चुके हैं। अब हम उनको बोलेंगे, बच्चे क्या खाओगे? बोलेंगे मम्मी बाहर से पूरी मंगा दीजिए। उससे अच्छा है कि हम पूरी घर में बना दे रहे हैं, उसके साथ गर्मा गर्म हलवा बना दे रहे। पहले हम दाल को थोड़ा सा भून लेते हैं अच्छे से। उस दिन हम दाल की पूरी बनाए थे, हींग नहीं दिए थे, हींग देना भूल गए थे। थोड़ा बहुत हम भूल जाते हैं सब चीज, इसलिए आज हम जरूर डालेंगे हींग। हाजमा भी अच्छा रहता है, बच्चे लोगों को भूख भी लगती है, पेट भी साफ रहता है, बड़े हो या बच्चे हो। आइए आज मैं थोड़ा सा डालूंगी इसमें हींग। ये थोड़ा सा ज्यादा नहीं डालेंगी, ये थोड़ा ही सही डालेंगे। ये हम आपको पूरा दिखाए नहीं, इसमें कि इससे पहले हम आपको दिखाए थे ना, इसमें सिर्फ गोल मिर्च, लाल डंडी वाला मिर्चर, लहसुन। अभी हम इसमें डालेंगे सिर्फ जीरा पाउडर। हींग हम डालें, अब इसमें थोड़ा सा हम जीरा पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा काला नमक। आइए भुना जाएगा तो हरी धनिया, कच्चा मिर्चा डाल देंगे। अभी जब फ्राई करेंगे ये अच्छे से भून जाए, हलवा बनाएंगे या जब पूरी फ्राई करें तो फिर से आपको दिखाएंगे। ये पूरा मैदा नहीं है, मैं थोड़ा सा आटा, हर चीज में थोड़ा आटा और थोड़ा मैदा मिला के मिक्स करके मैं कुछ बनाती हूँ। और मैंने आपको बोला था ना, अभी मैं इसमें हरी धनिया मिलाऊंगी, कच्चा मिर्चा। ये देखिए मैंने इसमें हरी धनिया थोड़ा मिला दिया। ऐसे करके रखने से क्या होता है ना, करके रख लेने से दिल में फ्राई करने में बहुत आसान हो जाता है। 10-12 तो हम भर के बेल के रख लेंगे, उसके बाद हम फ्राई करेंगे, उनको बहुत आसान हो जाएगा। ये मैं तेल भी एकदम साफ सुथरा, मसाला भी एकदम साफ सुथरा, हर चीज एकदम, किसी चीज पे डाउट नहीं है कि कौन ताजा है और कौन बासी है, सब कुछ घर में। आप लोग भी बनाइए अपने अपने घर में, अपने बच्चों को खिलाइए, ना बच्चे बीमार पड़ेंगे जल्दी, बड़ों का पेट भी अच्छा, बच्चों लोग का भी सेहत तंदुरुस्ती अच्छा, सब कुछ अच्छा। बच्चे अच्छे हैं तो हम अच्छे हैं, इसलिए घर का खाना बहुत जरूरी होता है। यहाँ तेल गरम हो रहा पूरी के लिए, यहाँ हम जब तक हलवा बना लेते हैं। ये संडे का सुबह का नाश्ता है। ये थोड़ा सूजी, इसमें हम घी ऑलरेडी पहले से दे चुके हैं। जितना सूजी उतना ही चीनी। जितना सूजी उतना ही चीनी। आप सोचते हो इतना ज़्यादा सा हलवा, कल रात में कीमा बनाए थे ना, कीमा भी बहुत सारा है। काजू और ये बादाम, दूध कम हो गया, ये मेरा थोड़ा सा घी चाहिए। इसमें
अगर दूध का बचा हुआ मलाई है थोड़ा बहुत, तो वो भी आप दे सकते हैं। मेरे घर में है, हम देंगे, इतना कोई ज़रूरी नहीं है। है तो दे दीजिए, नहीं है तो मैं दे दीजिए। अब मैं इसे 2-3 मिनट के लिए ढाल दूँगी, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये छोड़ेगा, घी दिया हुआ बहुत है। ये मेरे हलवा घी छोड़ा, जब हलवा घी छोड़े तो पूछिए, ये कंप्लीट हो गया। इसमें रंग भी दे सकते हैं, पर रंग देंगे तो कुछ खाएगा। दूध दिए इसी आपको ऐसे छोटे जाएगा। ये हलवा कंप्लीट मेरा हो गया। अब मैं पूरी छानती हूँ। ये मेरा गर्मा करो, जिस तरह बाहर में पूरी नहीं होता है बिल्कुल उसी तरह। घर से बाहर से ज्यादा साफ सुथरा और मजेदार। ये पूरा खुल गया। आज नाश्ता कर लोगे? आज संडे है, पूरी बना दी घर, ठीक है, हलवा पूरी। किस नाचीज ने ये नाश्ता बनाई? भाई कब? क्या हाथ कहाँ है? हाथ काटिए ना मत, मेरे तो तुम्हारा नाश्ता नहीं मिलेगा। हाथ को क्यों लूँ? बहुत अच्छा है। मेरे घर में लड़की रहती है ना, हम लोग के साथ ही खाती है। फिर वो गई थी कोई काम से बाहर, दूध लाने गई थी, इसलिए वो हम लोग के साथ खा नहीं पाई, इसलिए उसको अभी हम नाश्ता निकाल दे रहे हैं। आई हम दोनों, मेरे हस्बैंड का और मेरा चाय। हम लोग थोड़ा जाते हैं, चाय पीते हैं, थोड़ा गप सप लड़ाते हैं। तो नसीरा चिल्लाने लगेगी, आंटी नाश्ता दीजिए, नाश्ता दीजिए। उसको हज़ार बार बोले, खुद से निकाल के खाया करो, पर जब तक उसको देंगे नहीं निकाल के, उसको तशरफ ही नहीं होगा। नसीरा ये लो नाश्ता। अब मैं चलती हूँ अपने हस्बैंड के साथ, थोड़ा चाय पी, थोड़ा उनका पॉकेट भी खर्चा खाली करवाएंगे। ये चाय। बच्चे लोग घूमने भी जाते हैं, पर हर संडे घूमने नहीं जाते। कभी कभी पेरेंट्स को फुर्सत मिलता है तो पेरेंट्स कभी कभी ले जाते हैं, कभी कभी स्कूल की छुट्टी लेके जाते हैं। पर घूमने वाला ब्लॉग आप मेरा परसों देखें, आज के ब्लॉग मेरा संडे का ब्लॉग है। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। कल मिलते हैं एक नया ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।